नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक। परीक्षा प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग रेगुलर मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोग कमेंट पे, फेसबुक से आप लोग पूछते रहे हैं कि सर जो पीसीएस है उसके नोटिफिकेशन कब आएंगे, कब तक फॉर्म होगा, क्या 21 जून जो प्रस्तावित डेट है क्या उस दिन एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और आपके साथ साथ ये है कि सर स्ट्रेटेजी बता दीजिए प्लस बुक लिस्ट बता दीजिए। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। एक एक करके हम आपके क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस होना है, क्योंकि आपका ये लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। एक जो बोला जाए तो ऑफिस रैंक का आपका एग्ज़ाम है, लंबे टर्म का एग्ज़ाम है, जिसमें आपको अगर आप देखेंगे कैंडिडेट जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं इसमें, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो कम ही होते हैं, मगर इसमें जब आपके जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने, तो इसमें कई लोग एक्सपीरियंस लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो फिलहाल जो यूपीपीसीएस में हैं वो जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पीसीएस के फॉर्म में डालते रहते हैं। प्लस आपके और भी जो अदर कैंडिडेट हैं किसी न किसी जॉब में वो भी हैं, प्लस कुछ फ्रेशर कैंडिडेट हैं, प्लस कुछ आपके जो हैं आपके यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि यूपीएससी के कैंडिडेट अब यूपीपीसीएस के भी तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं आप सभी लोग जान गए होंगे भली भांति, क्योंकि जो भी 2018 से इसका पैटर्न चेंज हुए हैं कि आपका जो को यूपीपीसीएस यूपीएससी के पैटर्न पे क्या है, पूरा मेंस डिस्क्रिप्टिव हो गया है। तो बच्चे जो यूपीएससी आपका इसी पैटर्न पे चलता था, तो अब यूपीएससी के बच्चों में कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये यूपीपीसीएस आ गया है, तो आपके इन्हीं बच्चों से आपको कम्पटीट करना है। तो कम्पटीट करने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लस एक अच्छा सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप पूरा का पूरा नॉलेज निकाल पाए। तो आपका ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये टोटल आपका अभी से देखा जाए तो आपका 21 जून को प्रस्तावित है और आपका मेंस जो है 15 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो 21 जून के लिए आपको प्री के लिए कैसे फोकस होना है, मेंस के लिए कैसे फोकस होना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और जहां तक आपके ये जो क्वेरी है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आयोग जो भी आप जैसे अभी पिछला जो एग्जाम हुआ 2019 का 15 दिसंबर वाला, इसमें भी आप लोग बोल रहे थे कि 15 दिसंबर को हो सकता है एग्जाम ना हो, क्योंकि आपका अक्टूबर अप्रोक्स शायद नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर आपका एग्जाम हो गया था। लोग बोल रहे थे कि जो है एग्जाम टलेगा क्योंकि उसी दिन नेट जेआरएफ का पेपर था, मगर वो टला नहीं। तो ये टलने वाली जो है अब जो सीक्वेंस है वो खत्म हो गया, आयोग ने ये सब चीजें खत्म कर दिया है। अब सीधे के सीधे आपका जो भी उसने कैलेंडर निकाला है, जो डेट दिया है, उसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। ये माइंड सेटअप करके आप तैयारी में लग जाइए। तो ओवरऑल अभी अगर आज से हम देखें तो आपके आज से और मेंस के बीच में टोटल 6 महीने का गैप है। 6 महीना आराम से मिल जाएंगे, अब अगर इधर उधर छुट्टी वुट्टी सब काट लेते हैं तो आपको 6 महीने मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। बहुत होते हैं 6 महीने। अगर आप कहीं ना कहीं आप पे जो कैंडिडेट हैं, अगर आप फ्रेशर भी हैं, बैचलर डिग्री करके आप पीसीएस में जाना भी चाहते हैं, तभी भी 6 महीने काफ़ी हैं। ठीक है, तो 6 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी कैसे आपको प्री करना है, कैसे मेंस करना है। कई होते हैं कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग जुड़ जाते हो कि पहले मैं प्री कर लूँ, तो 3 महीना अगर आप प्री को दोगे तो मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको पूरा का पूरा 4 पेपर जीएस का है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसा बुक पढ़ने, ऐसे सोर्सों को पढ़ना है जहां से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले वो प्री प्लस का मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ पैरेलल होते रहे। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो देखिए अभी जो है आपका 21 जून को प्री है, पहले इसे दिमाग में रखिए कि इसे कैसे क्लियर करना है, साथ साथ मेंस भी करना है। तो हमें जो करना है कि ये प्री और मेंस की कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए आपको सोर्स चाहिए, कहाँ से आप पढ़ोगे, ठीक, किस किस बुक से पढ़ेंगे, क्या होना चाहिए, अभी तक जो पेपर आपके हुए हैं 2018 17 जो भी हुए उनमें पहले उन्हें रियलाइज करिए, आपके पेपर में क्या पूछता है प्री को। मेंस तो आपका 18 से बदल गया, 18 में आपका हुआ था, आप पेपर देख सकते हो मेंस का कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, 125 वर्ड आपको लिखना होते हैं, ठीक, उसमें किस सोर्स पे लिखना होता है। मगर जो प्री का है, प्री तो कहीं ना कहीं अप्रोक्स वही रहता है, थोड़ा सा इस बार 2019 से यूपीएससी पैटर्न पे फॉलो किया है, उसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा बदला है, पूछने का जो तरीका है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे आया है, एनसीईआरटी बेस पे थोड़ा गया है जैसे यूपीएससी जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। कहीं ना कहीं 2000 आपका 18 का पेपर देखा जाए और 2019 का प्री का पेपर देखा जाए तो 19-20 का आप अंतर बोल सकते हो। तो उसमें जैसे 18 के पेपर में मैक्सिमम में जैसा डीप में फैक्ट पूछा था और आपके 19 में आप सभी कुछ पढ़े होंगे, उसी से कॉन्सेप्ट बेस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको सब चीज पता है तभी आप जाके आंसर मार पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसे ऑप्शन सेट कर देता है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है। तो ऐसे केसेस में आपको जब तक पूरी नॉलेज ना हो तब तक आप आंसर पे टिक नहीं मार सकते हैं।
तो आगे हम जैसे ही देखेंगे कि अब कहीं ना कहीं इसी रूट पे ये चलेगी, यूपीएससी यूपीएससीपीसीएस का आपका जो एग्जाम है यूपीएससी रूट पे ही चलने वाली है। तो हमारी तैयारी भी कुछ इसी तरह होना चाहिए। 2019 का आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा और आपको पता है कि कैसे हमें फाइट करना है, किस कैंडिडेट्स के साथ रहना है। तो पहला काम तो ये कि हमें सोर्स कहाँ से लेनी चाहिए, कौन कौन सी बुक अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किसका वेटेज पेपर में ज्यादा है। जैसे पेपर का अगर देखा जाए तो कभी भी का पेपर उठा लीजिए, 2017 का उठा लीजिए, 2018 का, 2019, सबसे ज्यादा किसका पोर्शन पूछा जाता है आपसे? करंट। करंट का पोर्शन हमेशा जाता है, करंट प्लस इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब ट्रेडिशनल छोड़ दिया, ट्रेडिशनल आपसे कभी पूछता ही नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट का पूछ दिया, कभी पूछ दिया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ दिया, तो वो पूछ दिया कथन कारण से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। मगर मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो कहीं ना कहीं आपके जीडीपी ग्रोथ से पूछेगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो ये जब चीजें जो है सब करेंट से रिलेटेड है, और जब आप करेंट अगर देखा जाए पूरे पेपर में, तो इसका कहीं ना कहीं अप्रोक्स आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 का आपका क्वेश्चन पहला जीएस पेपर वन होता है। इसमें आपकी जो आप बोला जा रहा है कट ऑफ, जब से निगेटिव मार्किंग हो गया, 17 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी आपकी, 18 में निगेटिव मार्किंग है, 19 में है। तो निगेटिव मार्किंग से भी कुछ ऐसा होगा कि बोलते थे लोग कि कट ऑफ कम आएगी, कट ऑफ ऐसा कम नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो वो 13 गुना वाला बात है कि अब आपके प्रीसेसिव मेंस में 13 गुना लोग जाएंगे, इसके वजह से कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, तो वो सब बैलेंस हो गया है। ठीक, कहीं ना कहीं आपको ये माइंड सेटअप करना है कि अब मुझे प्री क्वालिफाई करना है, तो 100 क्वेश्चन अप्रोक्स सही करना है, 100+ तो सही करना ही करना है किसी हालत में। 100 सही करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि किसे बेस्ट तरीके से हमें स्ट्रांग बनाना है। तो बेस्ट तरीके से स्ट्रांग बनाने के लिए आपको सबसे अच्छे कि जहां से देख, मैंने बताया आपसे कि 50 क्वेश्चन कहां से पूछता है, करंट प्लस इकोनॉमिक्स। तो करंट प्लस इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से तैयार करना है, मतलब कि इसके एक भी क्वेश्चन, एक दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, मगर आपको मैक्सिमम 45+ तो आपको लाना है इसमें। तो अब आपके बचे हैं 50 क्वेश्चन से प्री को क्वालिफाई करने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। ठीक, 100 क्वेश्चन आपको पाना है, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके करंट प्लस इकोनॉमिक्स हो गए, बाकी 50 में आपके सब कुछ आ जाएंगे, साइंस है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो इसमें आपको 50 में पूरा करना है, तो 100 आप हर सेक्शन के, अगर आप 18 18 19 19 क्वेश्चन भी कर ले आते हो सही, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी जैसे क्वेश्चन पूछता है आपका, जैसे ज्योग्राफी हुआ पर 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें जो क्वेश्चन ड्यूएबल होगा वो आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से, मतलब आपके 6-7 क्वेश्चन तो एकदम इजी होता है, 7-8 क्वेश्चन आपका मॉडरेट होता है, बाकी वही 5-6 क्वेश्चन नए जो फ्रेमिंग होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है। तो वो हार्ड वाला अगर आप छोड़ दो, वही थोड़ा नया पैटर्न पे हो जाता है, वही थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पे चला जाता है, बाकी सब आपका वो पुराना ही रहता है एक तरह से। तो अगर आप हार्ड वाला छोड़ दो, इजी और मॉडरेट मिला लो सभी सेक्शनों का, अगर आप कर ले जाते हो तो प्री तो एकदम आपका चुटकी बजाते खत्म है, क्लियर है। फोकस ये होना है कि अगर हम प्री कर ले रहे हैं तो हमें मेंस में, अगर आप प्री कर लिए तो ऐसा स्टेज आया कि नहीं, पहले पूरा 3 महीना आप लगा दिए कि प्री पढ़ेंगे, प्री क्वालिफाई भी हो गए, तो मेंस के पास आपके पास टाइम ही नहीं है। 4 सब्जेक्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव है, इतना बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, आप कर ही नहीं सकते हैं 3 महीने में तैयारी, तो वो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप प्री क्वालिफाई किए एक बार करेंगे, दो बार, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि उनका टाइम लग जाता है कि कभी एक बार प्री होता है तो मेंस नहीं होता है, दो बार ऐसे ही कंडीशन में होते हैं। तो ये कंडीशन इनका जो है इसी वजह से होता है, क्योंकि उनकी जो शुरुआत की स्ट्रेटेजी वो नहीं होती, वो पहले प्री पे फोकस होते हैं फिर मेंस पे होते हैं, ये टाइम आपका गलत है। आपको ऐसा फोकस होना है कि आपका जो प्री है, मेंस प्री मेंस पढ़ते रहिए, आपका अपने आप वो क्लियर हो जाएगा हर्डल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैं आपसे बताऊंगा कि मेंस को कैसे क्लियर करना है आपको साथ साथ प्री को करते हुए। तो जैसे आपका करंट का पोर्शन है, आपका पूरा का पूरा करंट अच्छे से पढ़िए, जो भी सोर्स आप उठा रहे हैं करंट और इकोनॉमिक्स के लिए। अब मैं बुक बता देता हूं कि आपको क्या मेरे हिसाब से सही होगा, आप सभी लोग जानते हो, कुछ ना कुछ आप लोग मैगजीन लेते होंगे। तो अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो आप कई करंट की पत्रिकाएं आती हैं, आप परीक्षा मंथन ले सकते हो, घटना सार आती है, घटना चक्र आती है। तो परीक्षा मंथन एक तरह से देखा जाए वो बहुत सही है, क्योंकि उसके मेंस ऑफ पॉइंट व्यू से भी उसमें लिखा गया है। ठीक है, उसके जब आप पढ़ेंगे उसके बाद से आप घटना चक्र को पढ़ लीजिए, तो वो थोड़ा डिटेल में हो जाती हैं चीजें, वो पूरा का पूरा आपका मेंस लेवल तक आपका पूरा करंट कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। लास्ट में आप अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक, और उसको एक बार रिविजन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं,
आपके YouTube पे देखे होंगे, करंट अफेयर्स डेली पे आपका चलता है, क्वेश्चन वाइज होता है, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। उसको अगर आप जाते वक्त एक बार रिवाइज कर लेते हैं करंट की चीजें, तो आपका प्री तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। करंट के लिए तो जो हमारे प्रोग्राम है, जो आपके 600 प्लस MCQ क्वेश्चन चल रहे हैं, वो बहुत है, आपका सफिशियंट है। मेंस के लिए आप पढ़ते रहिए करंट, क्योंकि मेंस में करंट आएगा, ये ना सोचिए कि करंट नहीं आएगा, क्योंकि पेपर आपका GS पेपर थर्ड, जहां आपका करंट का पूरा रोल है, जिसमें आपको साइंस टेक है वो भी आपका कहीं ना कहीं करंट का मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद से उसमें पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजें आते हैं, वो भी आपका करंट का इशू है। तो वो पेपर थर्ड आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। साइंस टेक में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट आते हैं, वो भी आपके जो उससे कवर हो जाएगा करंट से। तो ये आपका पार्ट धीरे धीरे वो पूरा मेंस के लिए तैयार हो जाएगा, पेपर थर्ड आपका तैयार होगा, ये दिमाग में रख के आपको चलना है। अगर आप इसके बाद आए कि करंट के आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए, 50 पे आपने पकड़ बना लिया, अब बाकी 50 में मुझे प्री क्वालिफाई करना है। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए अब अगला आपसे क्या होना चाहिए कि किसका वेटेज ज्यादा होता है प्री में आपका? साइंस का। साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, 20 से 25 क्वेश्चन, सिलेबस कम होता है आपका, क्योंकि साइंस में भी किस सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं? बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन हो, अगर आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है, तो कहीं ना कहीं आपसे इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आपका बायो पोर्शन से रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिजिक्स रहेगा, और इक्का दुक्का कहीं केमिस्ट्री आ गया, 2 से 3 तो बस यही आपका पोर्शन रहेगा। कभी कभी ये साइंस का पोर्शन बढ़ भी जाएगा, ठीक। 2018 में देखेंगे तो पोर्शन बढ़ा हुआ था, 26 से 27 क्वेश्चन था। इस बार देखेंगे 2019 में तो 23 से 24 क्वेश्चन थे। तो ये हमेशा इसी के अप्रोक्स रहेगा। तो ये पोर्शन आपको कंप्लीट करने के लिए आप बायो को पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां से अगर आपके 20 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप 18 भी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, तो आपके पूरा का पूरा प्री के अप्रोक्स जो आपका कट ऑफ है, उसके पास पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। 50 पे आपका करंट हो गया, 18 क्वेश्चन ये हो गया, 68 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए सही। अब ये आपका पूरा हो गया, तो इस पे बायो के लिए आपको पढ़ना क्या है? जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बायो के लिए सबसे अच्छा है कि कॉन्साइज करके नोट्स दिया गया परीक्षा वाणी। बायो की परीक्षा वाणी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है, और फिजिक्स की भी आती है। आप पढ़िए, आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है, 1.5 महीना पहले आप लोग प्री के लिए स्ट्रेटेजी जो है, जो मैं बता रहा हूँ कि एकदम जो नोट्स हैं, आप नोट्स हमारे हैं, प्लस आपके जो भी खुद के आप पढ़ रहे होंगे वो बनाएंगे, उस नोट से रिवाइज करिएगा। नोट्स में क्या होता है, इसीलिए बनाया जाता है कि आप जब लास्ट स्टेज पे हो, लास्ट 1-1.5 महीना पहले हो एग्जाम के, तो उसे धड़ाधुन पढ़ना स्टार्ट कर दे, ताकि आपका पूरा कम टाइम में सब कुछ रिवाइज हो जाए, जो जो पढ़े हैं फैक्ट जो पढ़े हैं वो आपके दिमाग में फिर से एक बार रिकॉल हो जाए। अभी आपके पास टाइम है, 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका जो 1-1.5 महीना का यहाँ का गैप हो, मेंस वाला गैप आपका फुलफिल हो जाए, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे वो मेंस के लिए आपके रह जाएंगे। तो आपको साइंस में ऐसे ही पढ़ना है, बायो एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक। उसके बाद से टेक पोर्शन आपका जो है, 2 से 3 क्वेश्चन टेक प्री में भी आता है, उसे अच्छे से पढ़िए कि वो मेंस तक कवर हो जाए टेक का पोर्शन, ठीक है। उसके बाद से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यह सब आप अपना पढ़ते रहिए, 2-3 दिन क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए हिंदी मीडियम के लिए परीक्षा वाणी बेस्ट बुक है। उसके बाद से आप ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए NCERT 11-12 का सफिशियंट है, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता है। उसके बाद आप जो है कहीं ना अगर प्रेफर करना चाहते हैं, तो हमारे जो पेड ग्रुप के जो कोर्सेज के जो नोट्स हैं साइंस के, बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, NCERT बेस्ड बनाया गया है, उसे पूरे NCERT को पढ़ के, उसे कॉन्साइज करके एक सिंपल PDF में बनाया गया, काफी डायग्राम के साथ बायो का, तो काफी अच्छा नोट्स बनाया गया है। आप उसे पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा प्री तो कहीं नहीं जाने वाला आपका, उसे भी ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप के बच्चे काफी प्रेफर करते हैं उसे। बाकी आपका आगे जो है, इसके बाद से क्या, कौन से पोर्शन पे हम जाएं, किसकी तैयारी करें, दो चीजें होंगी, करंट हो गया आपका, साइंस हो गया। अब बचता है एक छोटा सा पोर्शन, कम सिलेबस आपका, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, 10 से 12 क्वेश्चन आपका कवर करता है, छोटा सा सिलेबस है आपका, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में बहुत, अब हमसे बांध लें कि अगर नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, टफ क्वेश्चन बने, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, बाकी आप 8-9 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो 8-9 क्वेश्चन के लिए आप, पतली सी आती है परीक्षा वाणी की बुक आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें, काफी डिटेल फैक्ट्स भी लिखा है, हर चीज लिखा हुआ है जितने भी, उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट और साइंस का जो बायो पोर्शन है कहीं मिलता जुलता है, कुछ प्लांट के जो रोग हैं कहीं उधर भी मिल जाते हैं और आपके इधर भी मिल जाते हैं, तो दोनों में कवर वो हो जाते हैं। कहीं में ये लगता है कि इसके पोर्शन ज्यादा होंगे कि उसके पोर्शन ज्यादा होंगे,
तो ये कभी ना कम्प्लेन वो करिए कि नहीं सर इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इतने क्वेश्चन आते हैं, तो 12 13 15 ऐसे लगा रहता है आपका इस, ये आपका पढ़ लेंगे परीक्षावाणी, ये आपसे पूरा का पूरा जितने परीक्षावाणी में दिया आपका मेंस कवर हो जाएगा। पेपर नंबर थर्ड में मेंस के इन्वायरमेंट और इकोलॉजी भी दिया हुआ है, ये भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा जीएस। साथ साथ आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखते रहिएगा। जो बच्चे से प्री पे हो जाते हैं फिर उनका मेंस का नहीं होता, वो दिमाग ही नहीं लगा पाते हैं कि मेंस में भी ये सब सब्जेक्ट है, ये सब है जो आप प्री में पढ़ रहे हैं, बस उसे अच्छे से पढ़िए जो पढ़ रहे हैं, कि वहां आपको पढ़ने की ये सब जरूरत ना पड़े। तो इन्वायरमेंट आपका इकोलॉजी कवर हो गया, उसके बाद से आपके पास कौन सा वेटेज वाला सब्जेक्ट है जो कम सिलेबस में आपको अच्छा मार्क्स दिला सके, सोचिए जो आपका कम हो, पॉलिटी है। ठीक है, पॉलिटी पे आप आइए, पॉलिटी के भी 20 से 22 क्वेश्चन आपके होते हैं हर साल होते हैं, आप पूरा एनालिसिस देखिएगा, हर साल 17 से ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, 20 से 22 क्वेश्चन आपके हमेशा रहे हैं। कम सिलेबस है, किस कौन से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस सोर्स है, एक तो कम सिलेबस आप एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि पॉलिटी आप जब पढ़ेंगे तो पॉलिटी आपका पेपर नंबर सेकंड में जीएस, जीएस पेपर सेकंड मेंस के लिए पॉलिटी ही है, पॉलिटी है उसमें प्लस गवर्नेंस है प्लस आपका इंटरनेशनल रिलेशन है आईआर है वो कवर करना है। तो पॉलिटी आप इतनी अच्छे से पढ़िए कि आपको मेंस में ना पढ़ना पड़े, वहां सिर्फ आपको गवर्नेंस कवर करना पड़े, आईआर कवर करना पड़े और यूपी की पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना पड़े। ठीक, तो अभी हम यहाँ पॉलिटी पढ़ेंगे, तो पॉलिटी के लिए सोर्स सबसे बेस्ट सभी लोग बुक प्रेफर करते हो, सभी लोगों के पास होगी भी जहां तक मुझे उम्मीद है, जो लोग इस सिविल सर्विसेज में अगर आपने कदम रखा है एम लक्ष्मीकांत, इससे ज्यादा आपका न मेंस में आएगा न प्री में पूछा जाएगा। कम से कम इससे आप कोई भी किताब उठाइए, ये नहीं कि एक बार उठा लिया सर मैंने तो ये पढ़ लिया तो मेरा कुछ नहीं हुआ, एक बार से तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार इस एग्जाम में कवर आप रख रहे हैं, कदम रख रहे हैं, एक बार से तो आप चीजें नहीं पढ़ के गेंस कर सकते हैं। कम से कम एक बार पढ़िए, उसे मार्कर लगाइए, पूरे हाईलाइट करिए कि मुझे आज एक बार पढ़ा हूं तो मुझे ये फैक्ट मिलता गया है, अगली बार पढ़ोगे तो वो फैक्ट तो तुम्हें आंखों के सामने हाईलाइट रहेगा, अगली बार पढ़ोगे तो कुछ नया दिखेगा, सोचोगे अरे यार पहली बार में ये तो छूट गया था, ये तो कुछ नया है, तो उसे दूसरे मार्कर से हाईलाइट करिए। ठीक, जब तीसरी बार पढ़ोगे तो दूसरे से करोगे तो कुछ और फैक्ट मिलेगा, तो जितनी बार पढ़ते जाओगे उतनी ही चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी और वही चीजें आपको कहीं ना कहीं मेंस में और प्री में सिलेक्शन के लिए यही आपको बताता है कि आप कितना गेन किए हैं, धीरे धीरे आपकी नॉलेज बूस्ट होती रहेगी। तो आराम आराम से पढ़िए, तेजी नहीं है, अभी 1 1.5 महीना आराम से पढ़िए कि जो पढ़िए वो एकदम सॉलिड पढ़िए, कि उसमें आपको फिर बाद में मेहनत ना करना पड़े। बाकी के 1.5 महीना तो रैपिड फायर पढ़ना है आपको प्री के एकदम फोकस होके, कि नोट्स है नोट्स पढ़िए, तब एम लक्ष्मीकांत को आप देख जहां तक पढ़ रखा है, जिस पेज तक 2 से 3 बार पढ़ रखा है वहीं पे आप स्टॉप करिए, नोट्स उठाइए आपने जो बनाया खुद के, अगर बनाते गए हैं आप पढ़ते समय, या हमारे जो पेड ग्रुप के जो नोट्स हैं उसे, क्योंकि बहुत कॉन्साइज में बहुत अच्छे से आपके रमन सर ने उसे तैयार किया है, बहुत मेहनत करके टीम ने उसको तैयार किया है, जिसमें आपको एकदम A to Z पीक प्री का एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं। ठीक है, कि आपका ऐसा हो जाए कि कोई रुक जाए, कोई क्वेश्चन ही ना उससे हो, आपका हूबहू सब क्वेश्चन उससे मिल जाएगा, प्री के एक एक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो आपके पास ये 2 सोर्स है, मैं इससे ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, इससे क्योंकि आप ज्यादा सोर्स से पढ़ोगे ना ज्यादा कंफ्यूज होगे। और आपकी एक खास बात ये भी है, जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो तो क्या सोचने लगते हो कि कोई एक क्वेश्चन आ गया तो कहीं कोई हाईलाइट करके दिखा देता है कि ये क्वेश्चन मेरे से आया था कहीं और नहीं है। देखिए वे खास खास कर तो हिस्ट्री के पोर्शन में होता, बाकी और किसी में नहीं होता। हिस्ट्री एक इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस है हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री में आपको कोई चार आपके कम से कम 15 20 लेखक मिल जाएंगे, किसी की जीवनी भी मिल जाएगी जो किसी के बारे में लिखा है, हड़प्पा के सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है, तो उसमें कुछ ऐसा वो डाल देगा कि कहीं नहीं पढ़ा है, तो वो कोई वहां से पढ़ा और अपनी किताब लिखते समय डाल दिया, आपको लगा रही ये इतना डीप फैक्ट इसने डाल दिया है और किसी किताब में मिलेगा नहीं ये, तो वो आप लोगों ने अरे ये बहुत अच्छा है किताब। किताबें सभी अच्छी हैं, बस आपका नजरिया होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे उस 1 2 क्वेश्चन पे जाना ही नहीं, वो 1 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के कहीं से पूछ दे आप कुछ भी कर लीजिए नहीं आएगा। ठीक है, तो उस सब 1 2 3 क्वेश्चनों पे ज्यादा दिमाग नहीं, आपको वो दिमाग लगे जो 16 से 17 क्वेश्चन आए उस पर आपको जाना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको उसमें महारत ही नहीं हासिल करना है कि मुझे यहाँ महारत होना है कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, पीएचडी आप नहीं कर रहे हैं, आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिटी के सोर्स। उसके बाद से हम पहुंचते हैं कि जहाँ और कहाँ मैक्सिमम आपके क्वेश्चन है कम सिलेबस में, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में
खासकर आपका इंडियन और कौन सा वर्ल्ड ज्योग्राफी, यहाँ दोनों पूछता है। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पूछेगा और सेम चीज आपका मेंस पेपर वन में पूछता है हिस्ट्री के साथ, ठीक। तो इंडियन और ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़िए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के ज्योग्राफी इंडियन और दोनों मिला लिया जाए तो ऑन अप्रोक्स बोल सकते हो 50-50% क्वेश्चन रहता है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर कम हो सकता है कि वर्ड कभी कम हो जाए और इंडियन ज्यादा हो जाए, मगर जहां तक देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा ग्रासलैंड से होगा, वॉल्केनो से होगा, अर्थक्वेक से रिलेटेड, सुनामी से होगा, आपका जितने भी ये सब होते हैं आपके आपदा आती हैं उन सब के नामों से होता है। हमेशा आपका कूट के क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो वर्ड के, ग्रासलैंड के, ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। तो वर्ड से यहाँ पे फैक्चुअल बेसिस पे पूछता है आपको, मेंस में आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पूछेगा। तो पढ़िए अच्छा से कि वर्ड भी आपका कवर हो जाए और इंडियन ज्योग्राफी भी। तो इसका बेस्ट सोर्स है मेरे हिसाब से आप लोग अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों जो हैं, महेश कुमार बनवाल की दोनों आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में आती है, अच्छे से लिखा हुआ है, डीप लिखा हुआ है। आप वही मैंने बोला, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, टाइम बहुत है, बस आपको निकालना है टाइम कि कैसे मुझे पढ़ना है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6-7 घंटे सो लो, बाकी आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। जॉब करने वाले 12 घंटे जॉब करने के बाद आपकी यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करने के बाद क्रैक करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है। आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, आप लोग पहले प्री पे फोकस होते थे, मेंस पे होते, वो लोग पहले ही अपना बना लेते हैं कि मुझे इस बार एनटी हूँ, मतलब नायब तहसीलदार हूँ, तो मुझे एसडीएम की पोस्ट लेनी है। तो पहले आप खुद ना अपने से तय कर लो कि मुझे एसडीएम बनना है इस बार, ठीक। तो प्री और मेंस के चक्कर में ना पड़े रहो, सीधे एकदम सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन पे रहो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और यही होता है, वो लोग जॉब करते हैं, फैमिली देखते हैं, हर चीज करने के बाद वो अपना पढ़ के उतना निकालते हैं। तो आप लोग जो फ्रेशर हो, जो इस एग्जाम में आ रहे हो, उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, पढ़ो पूरे मन लगा से। तो इसके लिए पॉलिटी के लिए ज्योग्राफी का इंडियन ये भी है, प्लस आप जो है इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी अगर पढ़े हो अच्छे से 6 से 12 तक की, बहुत बेस्ट है, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ अगर आपको लास्ट मोमेंट में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करना है प्री फैक्ट्स पे, तो परीक्षा प्लस के नोट्स हैं, उसे आप एक बार देखते हुए चलिए, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से जितने भी, क्योंकि वो जो नोट्स बनाया जाता है ना टीम, वो प्री बेसिस पे बनाया जाता है कि जो भी आपके पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो संभावनाएं हैं जो पूछी जा सकती हैं, ठीक। और ये सब आप देख के उसे तुरंत रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आप जब पढ़े भी रहेंगे तो वो चीजें जल्दी रिवाइज होंगे। साथ ही साथ इन सभी चीजों के साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, सभी का जो भी मैंने आपको बताया, जैसे साइंस टेक है, उसकी भी पूर्व अवलोकन ले लीजिए, प्रीवियस ईयर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं ना कि आपका जो भी पेपर सेट होता है, कहीं ना 10 से 20% आपका प्रीवियस ईयर ही होता है, उसके सॉल्यूशन पढ़ोगे तो कहीं ना पता चल जाएगा कि हाँ इसके सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन बन गया। तो जब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है साथ में पूर्व अवलोकन लेना है, एक दो चैप्टर खत्म किए उसे देखे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके साथ करना है आपको, ज्योग्राफी के साथ भी पूर्व अवलोकन रखे रहिए, ठीक। और साथ ही वर्ड ज्योग्राफी की बात करें, आपको महेश बर्णवाल अगर मोटी लगती है, ज्यादा बड़ी लगती है, तो आप परीक्षा वाणी वर्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, अलग से आती है उसकी, इंडियन और वर्ड दोनों अलग आती है। तो परीक्षा वाणी की वर्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, उसमें तो पूरा फैक्ट ही फैक्ट दिया हुआ है, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देता है एक तरह, तो वो एक तरह से पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट से ही आप बोल सकते हैं वो है। इसके बाद से आपका आता है सबसे बड़ा सिलेबस, सबसे बड़ा जो बोला जाए यूपीपीसीएस में, वो हिस्ट्री का है। 3 पार्ट है इसके, एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। लोग बोलते हैं कि आपका मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है, मॉडर्न पढ़ते रहे पढ़ते रहे, कोई डेफिनेट नहीं है कि आपका कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि आयोग है इसमें, हम ये नहीं बोल सकते कि ये अपना यही फॉलो करेगा, हम ये बता सकते हैं कि हाँ इससे कम नहीं हो सकता, इतना के अप्रोक्स आ सकता है, 3-4 क्वेश्चन किसी में भी बढ़ा सकता है, ठीक है। वो कम और ज्यादा का तो आप ये ना सोचे कि आपका पता चला किसी में एंशियंट से आपका 7-8 क्वेश्चन पूछ दे, तो 7-8 क्वेश्चन तो बहुत कम ज्यादा हो गया। इस बार देखिए 2019 में एंशियंट का आपका 5 से 6 क्वेश्चन था, मगर मेडिवल जो कभी नहीं, लोग कहते थे जैसे मेडिवल क्या पढ़े, मेडिवल फैट फैट पढ़ के चले जाएंगे, तो मेडिवल के आपके 10 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक। तो ये होता है चेंज, आपका 6 से 3 क्वेश्चन आगे पीछे बढ़ जाएगा, बस आप सोचने लगते अरे इसमें तो ज्यादा पूछ लिया, तो यही होता है। तो आपको सब में थोड़ा टाइम देना है, हाँ मगर मॉडर्न में अच्छा टाइम देना है, मॉडर्न में थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि उसके हर बार कहीं ना कहीं इन दोनों से, एंशियंट मेडिवल मिला लिया तो उससे ज्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट तो है ही है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मॉडर्न में आपको ज्यादा टाइम देना है। मॉडर्न में आपको जो है सोर्स है, कैसे पढ़ना है मॉडर्न को,
तो मॉडर्न के लिए आपको सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है कि आप एसके पांडे उठा लीजिए, ठीक है, वो हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम में एसके पांडे नहीं आती है, मगर इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट है स्पेक्ट्रम, आप पढ़ डालिए, कोई भी मॉडर्न का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका उससे। आप प्लस परीक्षा प्लस का नोट्स उठा सकते हैं मॉडर्न का, बहुत बेहतरीन तरीके से उसे तैयार किया गया है। जितने भी आपके आंदोलन हैं, चाहे आपके वो ईस्ट के आंदोलन हो, चाहे आपके साउथ वाले आंदोलन हो, छोटे छोटे जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए थे, वो सब कवर किया गया है परीक्षा प्लस के नोट्स में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कूका विद्रोह इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये सब आपको कवर किया गया है उसमें, जो प्री बेसिस पे हमेशा कहीं ना आप देखेंगे कि अहोम विद्रोह से आपके क्वेश्चन आता है, तो वो भी वो ईस्ट के विद्रोह होते हैं, वो कोई जल्दी पढ़ नहीं पाता है, कहीं सिंपल नोट्स में नहीं मिलते हैं, आप कोई भी वनडे के नोट्स उठाओगे तो जल्दी उसमें नहीं मिलेगा, मगर ये जो नोट्स बनते हैं जो हमारे यहाँ बनाए गए हैं वो प्री बेसिस पे बनाए गए हैं, तो उसमें ये सब आपके जितने भी धार्मिक आंदोलन छोटे छोटे हैं इन सबके नोट्स लिखे गए हैं कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आयोग ने पूछा है, इन सबको इंक्लूड किया गया। प्लस आपको प्रलोकन है आपके पास कम टाइम है, क्योंकि ये सब कवर करने में टाइम भी आपका धीरे धीरे जाता जाएगा, तो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा बजना नहीं आपको कि हाँ मैं अरे हिस्ट्री का बहुत सिलेबस है इसी को आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जो बताया क्रम वाइज ऐसे चलिए, आपका प्री तो वैसे क्वालिफाई है, आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, अभी आप एक्स्ट्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री के 20-22 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा भी तैयारी किए हैं तो आप 20-22 में 5-10 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो 10 और पढ़ जाओगे, बाकी 3 अगर वो अपने ऊपर उतर आया हिस्ट्री पूछने पर तो आप एंशियंट के एक भी क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे, क्योंकि एंशियंट ही एक ऐसा टॉपिक है वो ऐसे, क्योंकि हर किताब कम से कम 500 किताब लिखी गई होंगी हिस्ट्रियों पे, और सबके अलग अलग तर्क होंगे, कोई अलग फैक्ट कहीं से रखा होगा, कहीं अलग से रखा होगा, तो इतनी किताबें तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए आपको एंशियंट और मेडिवल में थोड़ा कम समय देना है, मॉडर्न में ज्यादा समय देना है, ठीक है, और सबके लिए अगर किताब आपको पढ़नी है एक एक करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मेंस की भी तैयारी करना है, तो किताब आपको पढ़नी है एस के पांडे, क्योंकि आपका ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 1 बनता है कहाँ, मेंस में, तो मेंस को अब आपको कवर करके चलना है कि जो भी पढ़े हम सॉलिड पढ़े। अब आप अगर आप मॉडर्न भी पढ़ रहे हो तो कम से कम मॉडर्न आपको वहां नहीं पढ़ना पड़े मेंस में, तो अच्छे से पढ़िए इसके पांडे पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, परीक्षा प्लस के नोट्स पढ़ लीजिए, वो प्री के लिए आपके पास सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं आता। बाकी एनसीएंट के लिए आप RS शर्मा देख सकते हो, ठीक है, NCERT 11-12 की देख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो आपका प्री में 1 से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछते हैं, मगर आर्ट एंड कल्चर को आपका मेंस में बहुत अच्छे से भूखबू से डिफाइन किया गया और क्वेश्चन भी उससे आते हैं, क्योंकि जो एंशियंट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा जाता है मैक्सिमम, तो आर्ट एंड कल्चर उसमें बहुत अच्छा दिया है NCERT में 11-12 के RS शर्मा में। उसके बाद से आप मेडिवल के लिए जो है वो सतीश चंद्रा को प्रिफर कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों लोग, ठीक, बाकी एस के पांडे तो है ही है तीनों के लिए, और मॉडर्न के लिए मैंने बता ही दिया स्पेक्ट्रम है आपके पास और एक्स के पांडे है, प्लस साथ ही साथ तीनों के आपके परीक्षा प्लस के नोट्स हैं जो हमारे पेड ग्रुप में आप बच्चों को दिया जाता है। तो आपका देखिए इसी के साथ साथ जो मैंने बताया आपका कि हिस्ट्री प्लस जियो आपका पेपर 1 मेंस के लिए तैयार हो गया, पॉलिटी और गवर्नेंस आता है आपका, तो पॉलिटी आप यहाँ पढ़ लीजिए, गवर्नेंस मेंस में पढ़ लीजिए अगर IR। पेपर 3 आपका होता है वो होता है साइंस टैंक और करंट का रिलेटेड, तो ये पेपर 3 आपका कंप्लीट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके प्री के साथ ही मेंस जुड़ा हुआ है। एक पेपर आपका बचता है मेंस के लिए वो होता है एथिक्स पेपर 4, जिसका यूज आपका यहाँ नहीं है, प्री में नहीं है, तो मेंस में आपको 3 महीने तो मिल रहे हैं, 21 जून को पेपर खत्म हो रहा है, 3 महीने समथिंग दिन मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा वहां कवर करना है चीजें, तो आप जब यहाँ पढ़े रहेंगे तो बर्डन आपका कम रहेगा, तो वहां आप जल्दी से चीजें कवर कर पाएंगे, एथिक्स का सिलेबस भी कम है, ठीक, आपका 15 अक्टूबर को मेंस है इसका, अब वो चीजें अपने टाइम पे होने वाली है। उसके बाद से आप देखें तो आपका यूपी का पार्ट आता है, ठीक, आप यूपी में क्या है कि आप 2019 का पेपर उठाइए, 17-18 तक तो समझ में आता था, 17-18 में क्या है आपके क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते थे यूपी से, इसमें आपका सेंसस होता था, जनसंख्या नगरीकरण आपका यूपी से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, तो इंडिया का सेंसस तो आएगा ही आएगा, वो आपका इकोनॉमिक्स में ही आ जाएगा वो, मगर अब यूपी से रिलेटेड का क्वेश्चन की बात किया जाए कि जैसे ही इसने 2019 का पेपर सेट हुआ है वो पूरा पूरा यूपीएससी पैटर्न पे आपका हुआ है, इसमें आपका इस बार तो यूपी के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, बोले कि ये तो पूरा एकदम डिफरेंट हो गया, तो हो सकता है आयोग इस ट्रेंड पे चले, तो आपसे ये भी हो सकता है कि यूपी के क्वेश्चन ना हो, अगर होगा भी हम ये भी नहीं कह सकते आयोग के बारे में कि एकदम ना हो आने वाले एग्जामों में, ठीक, तो ये कहना मुश्किल है,
हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाए कुछ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कम होगा यूपी का। वो आपका जो पहले आपका 15-12 पर होता था क्वेश्चन, वो आपका कहीं ना कहीं गिर के आपका 4 से 5 क्वेश्चन पे होता भी है। तो आपको सिर्फ प्री लेवल पे उसको पढ़ना है, मेंस लेवल पे उसका थोड़ा अलग से ही टेंडेंसी हो जाती है। मेंस में आपको सबके साथ जितने भी पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, तीनों पेपरों में यूपी लिखा रखा गया है। यूपी इसलिए रखा गया कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यूपी की हिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम है तो स्टेट के बारे में आपको उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। एंशिएंट में यहाँ क्या आर्ट एंड कल्चर था, वो सब चीजें होनी चाहिए। तो वो डिटेल में हो गया। अभी प्री के लिए तो यूपी में अगर देखा जाए 4-5 क्वेश्चन आपके आते हैं, उसके लिए आप युक्ति की ले लीजिए, फैक्चुअल बेसिस है, उसे पढ़ सकते हैं जो आपका लास्ट में कवर हो जाएगा। प्लस हमारा परीक्षा प्लस का नोट्स है, प्लस आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, मेंस की भी साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं जहां आपको सब कुछ हो, तो आप परीक्षा वाणी को प्रिफर कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपके पूरे के पूरे बुक लिस्ट हो गए कि आपका प्री का साथ साथ मेंस भी कवर कर दिया गया है। साथ ही साथ हमारी टीम जो है काफी आप लोगों के साथ मेहनत कर रही है डेली बेसिस पे। आपको यूपी आपका देख ले होंगे, हिस्ट्री आपका पूरा का पूरा कवर हो चुका है रमन सर द्वारा, ज्योग्राफी यूपी से रिलेटेड कवर हो गया। आप इतना ही डेली आप अपने लिए आधा घंटा टाइम निकालिए, यूपी का जो रमन सर द्वारा कराया जा रहा है देख लीजिए, प्री आपका वैसे ही क्लियर है, उसमें आपको इफ बट है ही नहीं। उसके बाद से आपका जीएस जो एमसीक्यू क्लासेस हो रही है उसे भी डेली करते रहिए, आपको वो बहुत फायदेमंद क्लासेस हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं खासकर आयोग के, उससे रिलेटेड आपके देख के कि कैसे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन रखे जाते हैं, आप लोग खुद ही देखे होंगे हमारी क्वालिटी ये है। प्लस साथ ही साथ हमारी टीम आपको बाइलिंगुअल टेस्ट प्रोवाइड करा रही है, साथ ही उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रही है। जितने भी मैंने आपको बताया है सभी के स्टडी मटेरियल हैं। आप करेंट की चले जाइए, इकोनॉमिक्स चले जाइए, साइंस टेक चले जाइए, केमिस्ट्री बायो, आपका पूरा का पूरा जो भी मैंने बताया सभी के आपका प्री बेसिस पे आपका नोट्स तैयार किए गए हैं हमारी टीम द्वारा, ये आपको सभी मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की जो है तैयारी में पूरा का पूरा परीक्षा प्लस टीम आप लोगों के साथ है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमारे एडमिन पैनल से किसी भी सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नंबर होंगे 9450006007, आप इस नंबर पे कोई भी आपसे कोई भी रिलेटेड डाउट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, आप कभी भी आप क्लियर कर सकते हो। परीक्षा प्लस आपके हर एग्जाम में आपके साथ है, आपकी सफलता ही हमारी सफलता में जुड़ी हुई है। साथ ही साथ आप ये सब चीजें तो हो गई, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी देखना है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, साथ में कुछ करंट में चीजें लेने चलनी है। जैसे मैंने करंट की बताई थी आपको, यहाँ यहाँ से सोर्स पढ़ना है, तो करंट के बहुत से सोर्स हैं। जैसे आप लोग मोबाइल हमेशा यूज करते रहते हैं, हमेशा व्हाट्सएप चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, 1-1.5 घंटा तो आप लोग अपना ले जाओ, कुछ अच्छे काम के लिए यूज करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पढ़ने बैठ गए हो तो पूरा का पूरा आप 1-1.5 महीना मोबाइल ही बंद कर दो। कई लोग होते हैं मोबाइल सोशल नेटवर्क से बाहर हो जाओ, नहीं करना है, कंसंट्रेट हो जाओ, ये सब मैं नहीं कहूँगा। आपके सामने आपके पास मोबाइल है उसका अच्छा यूज करो। देखिए करंट बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, करंट का एक है आप लोग तो सुबह की क्लास कर ही रहे हो, प्लस साथ साथ एक राज्यसभा टीवी का जो विशेष प्रोग्राम आता है उसे आप देखो, ढंग से देखो, उसमें हर चीज आपका कवर हो जाएगा। साइंस टेक पॉलिटी जितने भी आपके करंट पॉलिटी जो गवर्नेंस आप कहते हो मेंस का सिलेबस वो कवर हो जाएगा। ठीक, कहीं ना कहीं उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स बताए जाते हैं, ठीक, बहुत पुरानी चीजें बताई जाती हैं, वो चीजें आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। ठीक, तो वो सब चीजें देखिए, वो आपके मेंस के लिए प्रेफरेबल है, वो आप जब लिखेंगे, क्योंकि उसे सिर्फ देखिए नहीं कि हाँ बेड पे पड़े हो गए, और जब क्योंकि आप लोग क्या एक आदत है जब भी आप पढ़ने का कोई काम देखते होंगे ना मोबाइल पे तो बस नींद आती होगी आपको, ठीक है, मगर मूवी जब देखोगे आप बैठ के तो मूवी में नींद नहीं आएगी, पूरी की पूरी शुरू से 3 घंटे की मूवी देख लोगे मगर 1 घंटे का विशेष प्रोग्राम नहीं देख पाओगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी है इस बात पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उस विशेष को देखिए अच्छे से, कब जब आप पढ़ते हो पढ़ने के टाइम में ही आधा घंटा शिफ्ट कर लो और उस विशेष को देखिए, उससे नोट्स बनाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है आपके मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के लड़के इस सब पॉइंट ऑफ व्यू पे काफी आपका चर्चा करते हैं, उस पे नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे प्री और मेंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, ठीक। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आपको दिया गया होगा, किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा जो भी क्लासेस कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है यूपीपीसीएस का, उसमें आप आइए, हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।